हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आज मैं बनाने वाली हूँ लोग। तो आज हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए। अभी बजे हैं रात के 8:15 बजे है, तो अभी हम रेडी होंगे। अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या पहनूँ और क्या नहीं, तो देखते हैं क्या निकालते हैं। ठीक है, तो चलो पहले फटाफट से कपड़े मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ आज। तो ये वाली कुर्ती मैंने निकाले हैं यहाँ पे पहनने के लिए आज, और इसके साथ में ये वाले मेरे पास करे हैं वो मैं पहनूंगी हाथों में, और ये वाली वॉच है ये देखो, तो ये मैं पहनूंगी। तो चलिए रेडी हो जाते हैं फटाफट से। ये यहाँ पे मैंने अपने मेकअप का जो है पिटारा उसे भी निकाल दिया है। अभी मैं रेडी होंगी फटाफट से इस सारे मेकअप से। इसमें सारे ब्रश है मैंने रखे हैं, और ये आई शैडो की पैलेट है, ये कंसीलर मैंने लिया था वो है, कॉम्पैक्ट है, प्राइमर है, ये सब कुछ है। चलो ओके, तो अभी मैं तैयार होने बैठ गई हूँ, और अभी मैं ये ब्लू हेवन का जो मेरे पास प्राइमर है उसी को यूज़ कर रही हूँ। सिंपल सा ही मैं आज मेकअप जो है अपना रखने वाली हूँ। तो मुझे जो बड़ा बड़ा पिंपल्स हो गया है देखो कि यहाँ पे, बस अभी फाउंडेशन लगाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद आईलाइनर, मस्कारा, कॉम्पैक्ट, बस यही करने वाली हूँ और रेडी। सिंपल सा ये हो गया अभी मेरा। अभी बना से फाउंडेशन जो कि है मेरे पास लेकमी का, तो है फटाफट से लगा लेती हूँ। तीर्था जो है वो अभी बाहर, बाहर मतलब अंदर के रूम में है, तो वो बाद में रेडी होगी। और आज इतने दिनों बाद में बना रही हूँ वीडियो, मुझे अच्छा भी लग रहा है। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करने वाली क्योंकि मुझे फटाफट से मेकअप अपना करना है, तो अपने हाथों से ही फटाफट से कर लूँगी। ज्यादा लग रहा है ना। और आज फैन बंद कर मैं करके फैन बंद करके मैं अभी रेडी हो रही हूँ, तो साथ में गर्मी भी हो रही है। ओके, तो ये हो गया है अभी फाउंडेशन जो है। अभी इसे अच्छे से मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ। अभी जो है वो मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, फैन ऑफ करके उसके बाद मेकअप करते करते आपके साथ बात करना, इसलिए मैंने फिर फैन ऑन कर दिया और उसके बाद फटाफट से अपना मेकअप करने लगी। वैसे भी मैं सिंपल सा ही मेकअप करने वाली थी, तो कुछ इस तरह से फटाफट से मैंने मेकअप कर लिया। आप फटाफट देख लो जो है वो मैंने कॉन्टोर या फिर करेक्टर जो था वो सब कुछ नहीं किया था, क्योंकि सिंपल सा डिनर के लिए जाना था, तो फिर ज़्यादा भी ओवर करके हमें नहीं जाना चाहिए। तो मैंने सिंपल सा ही ये रखा। आई शैडो भी ये देखो मैंने सिर्फ लाइट लाइट ही किया था, बस नाम का ही किया था कि किया है, वरना वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। तो बहुत ही लाइट मैंने मेकअप जो है वो रखा था। तो अभी फटाफट से मैं आईब्रो बना रही हूँ, और ये मुझे आईब्रो पेंसिल जो है वो मुझे नई लेनी है, बाज़ार अगर हम जाएँ तो ले आएंगे, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और मुझे इस तरह से हार्ड से भी थिक से करनी पड़ती है, इसलिए अभी हम देखेंगे अगर बाजार जाएंगे तो नई आईब्रो पेंसिल लेनी है, ब्रश लेने हैं मुझे नए नए मेकअप के, और एक हाँ ब्लशर भी लेना है, तो मैं अगर बाजार जाऊंगी तो वो सब कुछ लेकर आऊंगी। अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा बाज़ार जाने का। और ये यहाँ पे मैंने अभी आईलाइनर जो है वो कर रही थी, बिल्कुल सिंपल सी रखी थी,
पतली सी एक आँख में मैंने कर ली थी और दूसरी आँख में मैं यहाँ पे लगा रही थी। ये देखें, और बस काजल लगाया था। ये देखिए कुछ इस तरह से, मुझे काजल बहुत पसंद है, तो मैं अपने जब भी मेकअप करती हूँ या फिर मेकअप भी नहीं करती तो मैं काजल ज़रूर करती हूँ, मुझे काजल बहुत पसंद है। और ये देखो मेरी आईलाइनर सूखी नहीं थी तो वो ऊपर की तरफ लग गई थी, उसके बाद उसको मैंने रिमूव किया। और ये मेरी फेवरेट जो लिपस्टिक है पिंक, वो मैंने लगाई थी कुछ इस तरह से। और बस अभी मैं हूँ रेडी, ब्लशर वसल मैंने नहीं किए थे, और मैंने बाल जो है कुछ इस तरह से बनाए थे, पफ बनाया था, और उसके बाद हाफ पोनी जैसे कहते वो मैंने किया था, पर फिर वो मैंने बाद में चेंज कर दी थी क्योंकि वो ये हेयर स्टाइल जो है मुझे पसंद नहीं आई थी, तो फिर मैंने चेंज कर दी थी। और ये यहाँ पे मैं सब कुछ रखती हूँ, पर पता नहीं सब कुछ गायब हो जाता है, मुझे ढूंढना पड़ता है हर बार। तो ये देखो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, और ये हेयर स्टाइल सच में ही बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अच्छा किया कि मैंने बदल दी। और उसके बाद मैंने सिंपल सा ही पफ के बिना ही हाफ पोनी बना ली, और ये हो गई मैं रेडी। देख लीजिए मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने अपनी वॉच पहन ली है, इस हाथ में जाए करें वो पहन लिए हैं, और मैंने अपनी हेयर स्टाइल जो है वो चेंज कर डाली है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आई। मैंने ये सिंपल सी रख ली, थोड़ी सी लटे वटे निकाल ली, और अभी हम बस चलते हैं फटाफट से। तो अभी जो है हम निकल गए थे, और आज 15 अगस्त थी, इंडिपेंडेंस डे था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे रास्ते में जो ये सब कुछ, ये देखो कि इस तरह से सजाया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो अभी जा ही रहे हैं तो वीडियो बना लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखो कुछ इस तरह से सजाया हुआ था। एक फाउंटेन पहले भी आया था पर वो मैं भूल गई, जब तक हम निकले तब तक वो चला गया। तो फिर ये वाला जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए, और फिर हम चले। और ये देखो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे गुजराती जो खाना होता है वो मिलता है, तो हम यहीं पे आए थे। उसके बाद थोड़ी देर हमने वेट किया हमारी बारी आने के लिए, और उसके बाद हम अंदर गए ये देखिए। और फिर यहाँ पे सब बातें कर रहे थे, तो हंसी मजाक चल रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये था आज का डिनर, ये देख लीजिए, इसमें चार साइड सब्जी थी, रोटी थी, पापड़ थे, दाल थी, उसके बाद हमने कड़ी और खिचड़ी भी खाई थी। और उसके बाद बस हमारा जो डिनर था वो ख़त्म हो गया था। तो अभी जो है हम वापस जा रहे थे, वापस जाते हुए रास्ता बहुत सुनसान था तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी हम आ गए हैं वापस घर। आपको आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और बस ट्राई किया है कि जो भी आज थोड़ा सा ही व्लॉग बने तो मैं बना लूँ, तो आज मैंने छोटा सा बनाया है व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो मेरा मेकअप जो है वैसा ही, बस बाल जो है वो हवा की वजह से बिखर गए हैं, बाकी तो सब अच्छा है, लाइट लिपस्टिक हो गई है खाने में। चलिए तो अभी अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।